Sony LIV. We live to entertain. Download the app. हेलो हेलो मैडम, मैं स्वीटी अहलूवालिया बोल रही हूँ, गिन्नी की मम्मी। ये आज रिहर्सल कितने बजे तक चलेगी? कब खत्म हुई? तो गिन्नी कहाँ रहेगी? अच्छा अच्छा जी, ठीक है, मैं ना देखती हूँ। ओके, थैंक यू। रॉकी, गिन्नी तेरे साथ है? नहीं यार, नहीं है। क्यों? वो अभी तक घर नहीं आई। रिहर्सल्स खत्म हुए, 2 घंटे हो गए। ओ अच्छा, ठीक है, मैं रखती हूँ, चल। ओके बाय। ये गिन्नी कहाँ चली गई? जी गिन्नी आई? अरे अभी कहाँ आई, मैं बस स्कूल के लिए निकल रही हूँ। रॉकी भी गया जी स्कूल देखने। मैं तो हर जगह फोन भी कर लिया, उसके टीचर्स को, बस वाले को, उसके दोस्तों को, कहीं भी नहीं है। और गिन्नी ऐसी बच्ची है भी नहीं कि अकेले कहीं चल दे। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि कहीं उसकी मिनी मिस ने तो उससे कुछ नहीं कह दिया और वो रोती रोती कहीं चल दी हो। स्वीटी जी, रब के वास्ते ऐसी बातें ना करो। अपनी गिन्नी इतनी भी कमजोर नहीं है कि वो। आप एक काम करो, आप स्कूल चले जाओ, मैं घर आ जाता हूँ। अगर बाय चांस घर आ गई तो किसी को रहना चाहिए ना। और अगर वो दफ्तर आ गई तो? वो दफ्तर में तो है अपने राम जी। ठीक है। और राम जी, कि स्कूल बंद है, अंदर ही घुसे जा रहे हो? अरे मैं क्या चोरी करूंगा क्या? मेरी बहन अभी तक घर नहीं आई है, मुझे अंदर चेक करना। अरे मैंने पूरा स्कूल चेक करके ही बंद किया है, अंदर कोई नहीं है। अगर हुआ तो? अरे कह रहा हूँ ना, समझ में नहीं आ रहा क्या? क्या हुआ? ओम देखो ना, अंदर नहीं जाने दे रहा। देखिए भाई साहब, मुझे लगता है मेरी बेटी ना अंदर रह गई है,
एक बार मुझे देख लेने दीजिए। मैडम मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता जब तक प्रिंसिपल का ऑर्डर ना हो। अरे तो प्रिंसिपल से मैं बात कर लूंगी ना। आप समझ नहीं रहे, आप क्यों नहीं जाने दे रहे अंदर? आपको क्या लगता है क्या चुरा लेंगे? आपका ब्लैक बोर्ड, आपके बेंच, आपके चॉक, क्या चुरा लूंगी मैं? आई एम सॉरी मैडम। देखिए मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन जब वापस आऊंगे ना तो प्रिंसिपल के साथ वापस नहीं आऊंगी, पुलिस के साथ वापस आऊंगी। और अगर मेरी बेटी अंदर निकली और उसे कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, समझे आप? ठीक है। माँ अब वहां देखिए, मैं ऊपर देखता हूँ। गिनी, 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 गिनी। जीता रे मेरा छोटा बॉडीगार्ड, दीदी का ध्यान रख रहा था ना? हाँ मैं तो देख बेटा, मिनी मिस आई है तुझसे मिलने के लिए। मैम ये मेरी छोटी बहन है पिंकी। नमस्ते। जा पानी ले। नहीं नहीं बैठिए ना। तो गिन्नी, तुम्हें क्या लगता है तुम पहली एक्ट्रेस हो जिसका गला बैठ गया है और वो भी नाटक के एक दिन पहले? या तुम्हें उन एक्टर्स की लिस्ट गिनवाऊं मैं जिनका गला खराब हो गया था वो भी नाटक शुरू होने के एक घंटे पहले? उन्होंने अपनी आवाज खो दी थी, उसके बाद भी प्ले के लिए एंट्री ली स्टेज पर, पूरा नाटक किया और तालियां भी पाई। बहुत ही घटिया घिसा पिटा बहुत पुराना बहाना ढूंढा है तुमने। मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ ये बताने आई हूँ, ये नाटक करना या ना करना ये सिर्फ तुम ही डिसाइड कर सकती हो। और अगर तुमने ये डिसाइड कर लिया कि तुम ये नाटक करने वाली हो हर हाल में, तो फिर चाहे कुछ हो जाए तुम ये नाटक जरूर करोगी। वरना अगर तुम चाहती हो कि यहाँ इस तरह घर पर पड़ी रहो, इन लोगों के लाड़ प्यार में लोटती रहो, तो वो भी ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, that's okay। वरना तुम सीधी खड़ी होकर अपने आप से कहोगी कि मैं कर सकती हूँ, मैं करूंगी, पर मैं करके दिखाऊंगी।
मेरी माँ ने सिखाया है। तो ठीक है, कल स्टेज पर मिलते हैं। गुड, चीयर्स। थैंक यू। बाप रे बाप, ये थी मिनी मिस। बेटा देख, बस किसी भी तरह तुझे दो ग्लास पीना, मेरे कहने पर। चाहे नाक बंद करके पी ले या मुझे नोट कर पी ले, लेकिन पीना जरूर, एक अभी और एक चार घंटे बाद। ऐसा काढ़ा पिलाऊंगी जिसे पीने के बाद ना तेरा गला एकदम ठीक हो जाएगा, नहीं तो तारदन बन के पूरे स्कूल में चिल्लाते फिरी कल, तो मेरा नाम बदल देना। उसकी नौबत ही नहीं आएगी, आफ्टर ऑल हमारी माँ का नुस्खा है। और माँ के नुस्खे कभी खाली नहीं जाते। माँ, मैं नाटक कर पाऊंगी ना? मैं नाटक करूंगी। Sony LIV. We live to entertain. Download the app. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.